यहाँ आप देखिए, शंकु, शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं सीओ यानी कोन, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको फिगर समझा दें। यहाँ देखिए, ओ से बी की जो दूरी है, ओ से बी की जो दूरी है, ओ से जो बी की दूरी है वो क्या है, आर है। और इस आर को, इस शंकु की त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर आर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, ओ से ई, ओ से ए की जो दूरी है, ओ से ए की जो दूरी है उसको बोलते हैं एच। ओ से ए की जो दूरी है उसको बोलते हैं एच, और इसको एच को शंकु की ऊंचाई बोलते हैं, शंकु की ऊंचाई। और यहाँ देखिए एल है ना, ए से बी की दूरी, ए से बी की दूरी यहाँ पर लिखते हैं, ए से बी की दूरी को एल बोलते हैं, और एल को त्रियक ऊंचाई बोलते हैं, शंकु की त्रियक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले एक और आपको जानकारी दे दें कि मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, शंकु, वृत्त, अर्धगोला, बेलन सब का, ठीक है। आप वहां पर जाइए और सारे फॉर्मूला वहां से देख लीजिए, मतलब फॉर्मूला का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। अब यहां देखिए, कोण, शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो क्या कीजिएगा, पाई आर एल कर दीजिएगा। और एल का मान अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एल का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट अंडर, मतलब स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब कि देखिए, अगर एल का मान निकालना हो तो आर का और एच का मान दिया रहेगा, तो एल का मान निकल जाएगा, या अगर आर का मान निकालना है तो एल का मान ही दिया रहेगा, मतलब तिरेक ऊंचाई दिया रहेगा और ऊंचाई दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, तिरेक ऊंचाई का स्क्वायर करके, ऊंचाई का स्क्वायर करके घटा के उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो आर का मान निकल जाएगा। उसके बाद देखिए, फिर एच का मान अगर निकालना है तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर देंगे तो आपका एच का मान निकल जाएगा। देखिए, जहां एल बराबर तिरेक ऊंचाई, आर त्रिज्या और एच ऊंचाई है, ठीक है। अब देखिए, अब लिखे हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो क्या करेगा, पाई आर एल, तो पहले से वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालना होगा। उसके बाद प्लस, यहां पर एक वृत्त का फिगर बना है, देखिए वृत्त का, अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। और यहां पर भी देखिए पाई आर, यहां पर भी है पाई आर, दोनों में है ना, तो दोनों में से पाई आर जब कॉमन करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है मतलब क्या, आर मल्टीप्लाई आर है, तो एल प्लस आर बचेगा, तो क्या होगा फॉर्मूला, शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। अब देखिए, शंकु का यहाँ पर लिखे आयतन, आयतन क्या होता है पहले ये आप समझ लीजिए। आयतन यही होता है कि देखिए, इस पूरे शंकु में कोई द्रव कितना अट सकता है, जैसे पानी, हवा, इसमें आप भरिएगा तो कितना अटेगा, उसी उसी को हम आयतन बोलते हैं। यानी शंकु का आयतन क्या होगा, बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और पाई का मान कितना लेंगे, 22/7 रखेंगे या 3.14। यहाँ देखिए, 22/7 कब रखेंगे, देखिए जब तक आपको कहा ना जाए कि 3.14 रखिए तब तक अपने मन से 22/7 रख दीजिएगा, ठीक है। इसका देखिए उदाहरण कैसे समझेंगे, तो उदाहरण आपका यही होगा, शंकुआकार टेंट रहेगा या आइसक्रीम, आइसक्रीम आप देखे ना, आइसक्रीम कीप ईटीसी ऐसा ही रहेगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, शंकु बोलेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।